नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जैसा कि आप हमेशा होते हो। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे समर आने वाला है। अराउंड 1 मंथ रह गया है समर आने को, और धीरे धीरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। रेस्टोरेंट भी भरने लग गए हैं बाहर, वहाँ पे चेयर्स वगैरह, डाइनिंग एरियाज रेस्टोरेंट के बाहर भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब समर इज़ ऑलरेडी हेयर। ठंड थोड़ी बहुत है, बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे। एंड आई एम प्रिटी एक्साइटेड, क्योंकि पिछली बार समर, आई रियली एंजॉयड समर। यूरोप के समर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, आई मीन लिटरली दे आर लिटरली ब्यूटीफुल। स्प्रिंग सीजन भी ऑलमोस्ट आ गया है, चारों तरफ हरियाली होने वाली है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और मेरी खुशी के यही सिर्फ रीज़न नहीं है, मेरी खुशी के और दो रीज़न है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। सो इन सितंबर 2022 जर्मन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जर्मनी में एनरोल हैं, उनको 200 यूरोज जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको तो पता होगा, बट जो जो भी स्टूडेंट अभी जर्मनी में आना चाहते हैं, और मतलब नॉट ओनली स्टूडेंट बट नॉर्मली अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे जर्मन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। काफ़ियों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 200 यूरो क्यों मिल रहा है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मन गवर्नमेंट ने पिछले साल सितंबर में ये ऐलान किया था कि जितने भी स्टूडेंट 31 दिसंबर 2022 तक किसी भी हॉक्सचुला या टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, वो 200 यूरोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्यों इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, क्योंकि आपको पता है यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है यूक्रेन और रशिया के वॉर से, और इस एनर्जी क्राइसिस के कारण काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। नॉर्मल ग्रोसरीज के और मतलब हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जो नॉर्मल चीज़ यहाँ पे 70-80 सेंट्स की मिलती थी, अब वही चीज़ 1 यूरो 20 सेंट, 1 यूरो 30 सेंट की हो गई है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। सो इसी रीज़न से जर्मन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए ये रिलीफ पैकेज रिलीज़ किया था। इसकी एप्लीकेशन 15 मार्च से स्टार्ट हो गई थी। मेरे को ऑलरेडी ये 200 यूरोज़ बैंक में क्रेडिट हो चुके हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। इसको अप्लाई करना भी बहुत इजी है। सो इसको अप्लाई करने के दो तीन तरीके हैं। सो सबसे आसान तरीका जो कि मैंने यूज़ किया था, वो है कि आप सब लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एक्सेस कोड और पासवर्ड मिला होगा। बस उसी के यूज़ से पहले तो आपको एक बॉन्ड आईडी बनानी है। बॉन्ड आईडी इज़ नथिंग बट नेशनल आईडी। तो उस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और देन यू हैव टू फिल द फॉर्म, यू हैव टू टाइप इन योर एक्सेस कोड, देन पासवर्ड और पिन, एंड देन यू हैव टू फिल योर बैंक डिटेल्स, एंड दैट्स इट। देन यू हैव टू सबमिट इट। जर्मन गवर्नमेंट आपके क्रेडेंशियल्स को चेक करेगी, अगर सब कुछ सही होता है तो आपको एक मेल आएगा कि एवरीथिंग इज़ ओके, एंड उसके 2-3 दिन बाद आपके अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। मेरे केस में मेरे को 3 दिन लगे थे 200 यूरोज़ मेरे बैंक में क्रेडिट होने के लिए, बट किसी के केस में उनको 1 दिन में ही आ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो मे बी आपको थोड़ा सा डिले हो। सो पिछले साल सितंबर मंथ में ऐसा ही पैकेज एम्प्लॉयज़ को भी मिला था। जो एम्प्लॉयज़ किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, तो वो 300 यूरोज़ लेने के लिए एलिजिबल थे। तो उस टाइम पे भी मेरे को मिला था, क्योंकि आई वॉज़ वर्किंग विद अमेजोन, सो आई गॉट दीज 300 यूरोज़। तो ये 300 यूरोज़ भी लोगों की हेल्प करने के लिए थे। और ये 300 यूरोज़ भी इस एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए मिले थे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम लोगों की हेल्प करती रहती है। ये जो रिलीफ पैकेजेस हैं, ये सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स के लिए नहीं होते हैं, बट सभी लोगों के लिए होते हैं जो कि यहाँ पे रह रहे हैं लीगली। सो जो ये स्टूडेंट अभी ये देख रहे हैं और जो वो जर्मनी आना चाहते हैं, मे बी फ्यूचर में आपके लिए कोई और पैकेज आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, ये 200 ग्रैब करिए। अब जो सेकंड गुड न्यूज़ है, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, बट जो भी लोग जर्मनी में ट्रैवल करना चाहते हैं, इंडिया से आ रहे हैं या तो कहीं से भी आ रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए है। डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस न्यूज़ से। सो आप सब लोगों को शायद पता हो कि पिछले साल जून जुलाई अगस्त जर्मन गवर्नमेंट ने 9 यूरो टिकट निकाली थी। स्टूडेंट्स के लिए वो टिकट फ्री थी। इस स्कीम के लिए
सारे लोग एलिजिबल थे, नो मैटर इफ यू लिव इन जर्मनी और इफ़ यू आर कमिंग आउटसाइड जर्मनी। सो इस स्कीम के अंडर ये था कि आप लोग 9 यूरो की टिकट खरीद के पूरे जर्मनी में एक मंथ तक ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ, 9 यूरोज। बट द ओनली ड्रॉबैक वॉज जो ट्रेन्स थी और बसेस थी वो बहुत ज़्यादा फुल थी, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने टिकट तो काफ़ी सस्ती कर दी बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं था कि वो मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को एक साथ हैंडल कर सकें। तो बहुत सारा क्योस हो रहा था उस टाइम पे, ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा फुल थी, खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी। स्टिल इट वॉज रियली चीप, 9 यूरोज इज नथिंग, लाइक यू कैन गेट अ डोनर फॉर 9 यूरोज एंड इफ़ यू कैन गेट अ चांस टू ट्रैवल होल जर्मनी विद 9 यूरोज बट्स बेटर देन दैट। इसी के बाद जर्मन गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस करा था कि 9 यूरो का सक्सेसर भी फ्यूचर में आएगा, बट थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो अब ये 9 यूरो का सक्सेसर होगा 49 यूरोस की टिकट, जो कि 1 मई से स्टार्ट होने वाली है। इस 49 यूरो टिकट को डॉयचलैंड टिकट भी कहते हैं, और इस टिकट के अंदर आप पूरे जर्मनी में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। यू कैन नॉट ट्रैवल हाई स्पीड ट्रेन्स जस्ट लाइक ICE, और यू कैन नॉट ट्रैवल विद प्राइवेट बसेज लाइक Flixbus और Flixtrains, बट यू कैन ट्रैवल विद RE, RB, एनी लोकल ट्रेन एंड एनी लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन होल जर्मनी। सो इट इज ऑसम, आई नो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई लव ट्रैवल। इफ आई वॉन्ट टू ट्रैवल नाउ द टिकट्स आर रियली एक्सपेंसिव। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टैक्ट देता हूँ कि अगर मान लो आप Stuttgart जाना चाहते हो म्यूनिक से, तो यू गोटा स्पेंड अराउंड 50-60 यूरोज जस्ट फॉर अ सिंगल राउंड ट्रिप। और 50-60 यूरोज आपको तब अप्लीकेबल होगा जब आपने ये टिकट टाइम से बुक करी हो, अदरवाइज ये टिकट्स आपको 100 यूरोज की भी मिल सकती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 49 यूरो टिकट पर मंथ कितना अच्छा ऑफर है। बस मेरा एक ही कंसर्न है कि जैसे 9 यूरो के टाइम पे हुआ था कि बहुत ज़्यादा भीड़ और केओस हो गया था, वैसा इस बार ना हो। होपफुली जर्मन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हों इसको सॉल्व करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सस्ती क्यों दे रही है गवर्नमेंट टिकट। सो या फर्स्ट रीज़न इज़ डेफिनेटली इन्फ्लेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं, तो लोगों की थोड़ी हेल्प करने के लिए, लोगों का थोड़ा जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करने के लिए। बट द मेन रीज़न इज़ टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और कम से कम गाड़ियाँ चलाएँ, क्योंकि जर्मनी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो अपने कार्बन एमिशन को ज़ीरो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करें। जर्मनी की एक नेबरिंग कंट्री है Luxembourg, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है 3 सालों से, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है ये स्कीम वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी कम हो रहे हैं, पोल्यूशन काफ़ी कम हो रहा है। तो जर्मनी ने भी यही मॉडल वहीं से आई थिंक कॉपी किया है, काइंड ऑफ कॉपी किया है, कि फ्री तो नहीं दिया है क्योंकि जर्मनी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Luxembourg, बट स्टिल 49 यूरोज इज़ अफोर्डेबल फॉर everyone। सो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। सो हम स्टूडेंट्स को डेफिनेटली यूज़ करेंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, पूरी जर्मनी में ट्रैवल करेंगे विथ 49 यूरोज टिकट। मे बी यू कैन ट्रैवल टू सम ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी बहुत सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है। सो पिछली बार 9 यूरो टिकट में ये भी पॉसिबल था कि जो भी आपकी नेबरिंग सिटीज थी दूसरी कंट्रीज़ की, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो विद दैट 9 यूरो टिकट। सो फिंगर क्रॉस, मे बी दिस टाइम ऑल्सो वी कैन ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज विद दिस टिकट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आप में से कोई भी जर्मनी में ट्रैवल करना चाहता है मे ऑनवर्ड्स, देन या इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल्सो, यू कैन ट्रैवल होल जर्मनी विद 49 यूरो टिकट, सो डेफिनेटली यू कैन लेवरेज दैट। सो जो ये स्कीम है वो अभी तक सिर्फ दिसंबर 2023 तक है, बट आई थिंक जर्मन गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड जरूर करेगी अगर ये टिकट सक्सेसफुल रही। और इनका यही प्लान है कि जो ये 49 यूरो टिकट है इसको परमानेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए मोटिवेट करें और इनकरेज करें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला हो, अगर मिला होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।